बीते कुछ दिनों में टीवी के कई स्टार्स की शादीशुदा लाइफ में परेशानियों की खबर सामने आई। पहले शरद मल्होत्रा को लेकर खबर आई कि उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है। वहीं हाल ही में बरखा बिष्ट और इंद्रनील अपने तलाक को लेकर भी काफी लाइमलाइट में रहे। वहीं इसी बीच एक और फेमस एक्टर की शादी में बड़ी हलचल की खबर सामने आई है। ये एक्टर है कई पॉपुलर टीवी शोज में दमदार किरदार निभा चुके एक्टर करणवीर मेहरा। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो करण और उनकी वाइफ निधिशा की शादीशुदा जिंदगी बीते कई महीनों से ठीक ठाक नहीं चल रही है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी इस हद तक डिस्टर्ब चल रही है कि दोनों एक दूसरे से अलग भी रह रहे हैं। ई टाइम्स ने सोर्स के हवाले से दोनों के बिगड़े रिश्ते की वजह भी बताई। पोर्टल को सोर्स ने बताया, करणवीर और निधि ने 2021 में शादी की थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लगे। पिछले कुछ महीनों में बात और बिगड़ गई और दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। निधि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करणवीर के साथ सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। क्या दोनों अपने मतभेदों को दूर करने और वापस आने का प्रबंध करेंगे या अपने अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, ये तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि करण इन दिनों अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मुंबई में शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं उनकी वाइफ निधि फिलहाल बेंगलुरु में अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। आपको बता दें कि करण ने निधि से 2 साल पहले साल 2021 में शादी की थी। दोनों की ये शादी लव मैरिज थी। दोनों ने लंबी डेटिंग के बाद एक दूसरे का हाथ थामा था। हालांकि अब शादी के 2 साल बाद जिस तरह से दोनों को लेकर ये बातें सामने आई हैं, वो वाकई हर किसी को हैरान कर रही है। बात की जाए करण की तो करण ने टीवी पर कई हिट शोज में काम किया है, जिसमें पवित्र रिश्ता, वो तो है अलबेला, टीवी, बीवी और मैं, तेरा क्या होगा आलिया और जिद्दी दिल मानेना जैसे शो शामिल हैं। वहीं निधि भी टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कामना, मेरे डैड की दुल्हन और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे शोज पे काम किया है। हालांकि अब देखना तो ये है कि ये कपल अपनी टूटती शादी पर आई तमाम खबरों पर क्या कुछ कहता है, कैसे रिएक्ट करता है।